बाप अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करता है, आपने मेरे लिए क्या किया? हम कुम तो करता नहीं है, शाम नू जान लगे पैसे तो पूरे लेना है। मैं नहीं रखना यार, साफ करो यार, छुट्टी करो इनकी। चल मुड़िया सी ताखड़ी सी ओ भी मोड़ ते। जी बेटा। भरी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने शहर के लिए जाना है। बेटा मैंने कहा था हो जाएगा। मुझे हो जाएगा नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने जाना है। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैंने भी जाना है। बेटा आपको पता आजकल हालात कुछ तंग है। मुझे तंग तुंग नहीं है, आप अच्छे भले फैक्ट्री में काम करते हैं, मुझे पता है आपकी तनख्वाह अच्छी भली है, मैंने जाना है आपकी मेहरबानी, पैसे करके दे मुझे। अच्छी भली है, अगर अच्छी भली तनख्वाह होती तो आप ऐसा करें किसी अपने फैक्ट्री से लेके दे दें, आप काम करते हैं वहाँ किसी से लेके दे दें, मैंने शाम तक जाना है। हर बाप अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करता है, आपने मेरे लिए क्या किया है? बहुत कुछ कर रहा हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें पता है इस वक्त जो महंगाई है किस हद तक है। मुझे महंगाई से नहीं तो कुछ भी लेना देना, मुझे आप पैसे करके दे, शाम तक मुझे पैसे चाहिए, मैं शाम को जाना। मैंने मुख भी कैसी चीड़ रबा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी। ए दुनिया पजी फिर दिया जिंदगी च बड़िया थोड़ा ने। ठेकेदार साहब रोटी खा लवा मैं? छेती खाओ छेती, रोटी खा लो उतनी। ए मुख भी कैसी चीड़ रबा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी। ए दुनिया पजी फिर दिया जिंदगी च बड़िया थोड़ा ने। बंदा ते मुकदा मुक जांदा पर मुकदिया ना कदे लोड़ा ने। ए तू काम नहीं करदा, सारा दिन वेला बैठा रहना है, जदों मैं ना तो रोटी खा रहा हूं ना कभी वेला बैठा हूं ना। वो ठेकेदार इंदा साफ कर यार, काम नहीं करता है। साफ भी काम करता है मुंडा। मैं जी रोटी का टाइम होया, रोटी खान लग पे हां सी ते इजाजत लई है मैं ठेकेदार साहब को, बड़े ठेकेदार साहब जुड़े हैं ओना को मैं इजाजत लई है ते मैं रोटी खान लगा जी। वो बड़े ठेकेदार जेड़े उन्होंने मैं इजाजत दी। काम कुम तो करता नहीं है, शाम नू जान लगे पैसे तो पूरे लेना है, मैं नहीं रखना यार, साफ करो यार, छुट्टी करो इनकी। मजबूरी ऐसी चीर रबा बंदा रोल दिंदी आ चोटी दा। ओ जदा तेनू साहब जी ने जवाब दे दिता वा, तू वड्डे ठेकेदार को अपना हिसाब लै दे तुरदा लग, तू फिर काम करदा फिरदा, असी जवान मुंडा रखना कोई? ठेकेदार साहब नू मैं कहा जी मैं मजबूर हां, महंगाई इन्नी, मैं अपने घर दा कला जना कमान वाला वा, ते मैं चुक रहा जी, मैं होर ज्यादा चुक लैना वा। मैनू ए पैसे ना दे, मैं होर लग साहब लै अपना चल, मैं होर उत्ते रख लेना जी। समझ नहीं आंदी भी, सारा करो यार, सारा करो, चलो जाओ चल। मुड़िया सी ताखड़ी सी ओ भी मोड़ ते, मैथों मिलने दी हिम्मत ना होई, मैं दूरों ही हाथ जोड़ ते। पर अज भी चेता भुलदा नहीं, अखा पर के खड़ी खलोती दा। जे ठेडी ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा। जे ठेडे ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा, ए मसला सारा रोटी दा।
अस्सलाम वालेकुम बेटा। वही मेरे पैसे लेके आए आप? बेटा पैसों का हो जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो गए हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए। क्या कहा, तुम्हें नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैंने आपको देखा, आपको वो धक्के दे रहा था, कैसे ईंटें उठा रहे थे आप, मैं देख, तुमने मुझे मुझे मजदूरी करते हुए देखा? जी मैंने आपको मजदूरी करते हुए देखा, लेकिन शर्मिंदा हूँ बहुत ज्यादा। बेटा काश औलाद ये समझ ले कि बाप जो अपने बच्चों को बादशाहों की तरह पालना चाहता है, किस्मत साथ दे, कौन अपने बच्चों को महरूम देखना चाहता है किसी चीज से। औलाद ही नहीं समझती और ये कह देती है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। माँ बाप ने आपके लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घूंटा है, अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को दबा के बच्चों की खुशी के लिए कुर्बान किया है। और बेटा दुनिया के अंदर सिर्फ बाप वो वाहद हस्ती है जो ये चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊंचा हो, मुझसे भी ऊंचा रुतबा हो उसका। हम तो अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियां अपने बच्चों पर कुर्बान करते हैं। लेकिन बाबा आप अकेले नहीं हैं, इंशाल्लाह मैं भी अब पार्ट टाइम कोई जॉब करूंगा। नहीं बेटा तुम पढ़ोगे, अफसर बनोगे, वरना मेरी तरह सारी जिंदगी धक्के भी खाओगे, इसी तरह वजन भी उठाओगे और लोगों की झिड़कियां भी सुनोगे। हमने तो बेटा अपनी जिंदगी इस तरह धक्के खा के गुजार ली, आप ही समझ जाओ कि माँ बाप का सहारा बनना। वालदैन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कितनी कोशिश करते, लाखों रुपया लगाते हैं मुस्तकबिल ठीक हो जाए, करते हैं कि नहीं करते? यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कितनी भारी फीसें भरते हैं, क्यों इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने देखा बूढ़ा बाप अपनी कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है, माएं अपना जेवर बेच रही है कि औलाद पड़ जाए। मियां इतना कुछ क्यों कर रहे हो जी, मुस्तकबिल ठीक हो जाए। ये मुस्तकबिल कितना है? 20-25 साल का। और जो असल मुस्तकबिल है उसकी फिक्र ही नहीं किसी को।